दोस्तों रेडमी तैयारी कर रहा है ग्लोबल मार्केट में 28 मार्च को लॉन्च करने के लिए एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि रेडमी ने लॉन्च करने वाला है रेडमी नोट 12 टर्बो कोर। दोस्तों इसी के बारे में पूरी जानकारी पूरे एस्पेक्ट्स बताने वाले हैं इस वीडियो में और दोस्तों ये भी बताएंगे कब तक आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है और दोस्तों 28 मार्च को जब ये ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा और दोस्तों इंडियन मार्केट में कब के डेट में लॉन्च होगा इनका भी डेट निकल के आ चुका है और दोस्तों पूरा एस्पेक्ट्स निकल के आ चुका है और दोस्तों किस तरह का फोन होने वाला है क्या कुछ इनका प्राइस होने वाला है प्राइस वगैरह भी सारा चीज निकल के आ चुका है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट में देखने के लिए मिलने वाला है और बहुत ही ज्यादा तगड़ा फोन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं, उनके बाद जानेंगे क्या कुछ प्राइस और कब के डेट में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो करते स्टार्ट। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप, सब आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और आप कुमार पंकज टैग। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडमी नोट 12 टर्बो का एस्पेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों एस्पेक्ट्स के भी कुछ लिक्स निकल के आया हुआ है, इसी के बारे में जानकारी लेंगे और दोस्तों को और भी ज्यादा जानकारी निकल के आता है तो अगले वीडियो में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले इसमें बता दें कि इसमें जो है आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ओएलईडी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलने वाला है। क्या साइज होने वाला है ये अभी लिक्स निकल के नहीं आया हुआ है। और दोस्तों आगे बात करें तो इसमें आपको जो पंचुअली स्टाइलिस वाला सामने के साइड सेल्फी कैमरा होने वाला है जो कि 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। और दोस्तों बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है जिसका कि प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। और दोस्तों सेकंड और थर्ड कैमरा के अभी कोई भी लीक्स निकल के नहीं आया हुआ। और दोस्तों आगे बात करें इसके बैटरी डिपार्टमेंट की तो बैटरी आपको 5500 एमएच का मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैटरी मिलने वाला है। और दोस्तों इसमें चार्जर की बात करें तो 67 वाट का सुपर फास्ट चार्जर मिलने वाला है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ होने वाला है जो कि बहुत ही अच्छा काम किया गया बैटरी डिपार्टमेंट में। और दोस्तों बात करें इसका प्रोसेसर की जो कि बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर भी यूज किया गया है। और दोस्तों ये ऐसा फोन है कि सबसे पहला ये फोन है जिसमें कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 प्लस गेन 2 का प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। और दोस्तों ये 5G वर्क करता है इसलिए फोन भी 5G हो जाता है। और दोस्तों आगे बात करें तो इसमें आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है, 3.5mm जैक भी मिलने वाला है, डबल सिम कार्ड का सपोर्ट मिलने वाला है और डबल स्पीकर भी मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था फोन की पूरे एस्पेक्ट्स की कहानी रेडमी नोट 12 टर्बो की। और दोस्तों इसमें जो है आप एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ बॉक्स मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। रेडमी ने अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है इस फोन पे। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ये कब तक लॉन्च होगा इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों ये मार्च में है, ये 28 मार्च को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होने वाला है और दोस्तों अप्रैल में 6 अप्रैल को इंडियन मार्केट में आपको लॉन्च हो जाएगा और दोस्तों आप ले भी पाइएगा। तो दोस्तों अब बात कर ले इसका प्राइस पॉइंट की, प्राइस क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस एस्पेक्ट पे हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है 30,000 के अंदर फोन रहने वाला है। और दोस्तों लास्ट बात करें तो ये 28,000 तक रहेगा, 27,000 से 30,000 तक के बीच में, इसी के बीच में ये फोन लॉन्च होने वाला है। ज्यादा प्राइस इसका नहीं होने वाला है, इसी के अंदर आपको यानी कि 30,000 से अंदर ही प्राइस रहने वाला है। तो दोस्तों इसका लीक्स निकल के तो नहीं आया हुआ था। दोस्तों ये क्या नाम से लॉन्च होने लगा इंडियन मार्केट में, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों ये होने वाला है, यहाँ पे आपको रेडमी नोट 12 टर्बो जो आ रहा है ये ग्लोबल मार्केट में सिर्फ आ रहा है। यहाँ पे जो इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है ये पोको F5 के नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों ये था रेडमी नोट 12 टर्बो की पूरी एस्पेक्ट्स की कहानी और दोस्तों फोन की पूरी कहानी तो आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों इंडियन मार्केट की बात करें तो ये तो पोको F5 के नाम से आ जाता है। तो दोस्तों अब दोनों का एस्पेक्ट तो आपको समझ में आ गया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।